Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Class 10, Chapter 12, Geometrical Optics, and the topic we will discuss today is total internal reflection. What the total internal reflection is occurs when the light reflect off the sides of the denser medium. कि हमारे पास denser medium से light बाहर आने के बजाय वहीं से reflect हो जाती है inside, तो उसे हम कहते हैं total internal reflection. Total internal reflection. हम थोड़ा सा reflection को recall करते हैं कि हमारे पास reflection थी क्या, हमने उसमें क्या कुछ पढ़ा था. हमने कहा था reflection में जब हमारे पास less denser से denser में air light ray आती है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो ray of light होती है वो bend होती है towards the normal, ठीक, जैसा कि आपके पास diagram में show हुआ है. लेकिन अगर इसका opposite हो जाता है तब क्या होगा, जैसे glass से air में जा रही है, यहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है, glass से air में जा रही है, arrow से आपको पता चल रहा है, तो तब हमारे पास it's bent away from the normal, नॉर्मल से दूर चली जाती है. आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे छोटा है लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा है. सो इट इज कि हमारे पास जब ग्लास से हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जा रही है, हाई डेंसिटी मीडियम से लो डेंस मीडियम की तरफ जा रही है, तो हमारे पास इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्लियर. Now next, यहाँ पे आप देख सकते हैं, as the angle of incidence increase, the angle of reflection increases, कि हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने ray of light ली, that's normal, ठीक, जिसमें हमारे पास कोई reflection नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा. Then we take the another, जिसमें हमारे पास angle of incidence 20 है और angle of रिफ्लेक्शन 27 है. ऑफ कोर्स वी नो दैट कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा. फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 लिया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 42. फिर हमने क्या किया कि इसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है और वो 59 है. अब हमारे पास जब हम लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे 48.8 लेंगे ना, तो जब हम 48.8 लेंगे, ये हमारे पास रफ से एस्टिमेट है, ठीक है, जब हमारे पास एंगल इतना आएगा तो तब हमारे पास क्या होगा कि ये जो रे है ये नॉर्मल हो जाएगी. मींस ये 90 के एंगल के साथ इसी मीडियम के साथ इसे सीधी चली जाएगी, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. ओके, आगे इसके बारे में होगा. ये देखें, क्रिटिकल एंगल की बात हुई. क्रिटिकल एंगल में क्या है कि हमने कहा एट अ सर्टेन एंगल द रिफ्लेक्टेड रे फॉलो अ पाथ एग्जैक्टली अलोंग द सरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम. कि वहां पे मैंने सब एंगल्स की बात की ना, उसमें हमारे पास उस डायग्राम में जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट 48.8 समथिंग होगा, तो तब हमारे पास एंगल, ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाएगा. 90 होने का ये मतलब है कि वो सरफेस साथ साथ चलेगी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल. क्या कहते हैं बच्चों, क्रिटिकल एंगल. अब हमने क्या किया कि एंगल को इंक्रीज करते गए, जैसे जैसे हम अपना एंगल इंक्रीज करते जाते हैं तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती जा रही है. अब हमने क्या किया कि हमने उसे इतना कर लिया 48 point something कि वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ गया. क्रिटिकल एंगल मींस वो 90 के एंगल में आ गया, अलोंग विद द सरफेस आ गया. अब अगर हम अपने एंगल को और इंक्रीज करेंगे तो बेंड अगेन फ्रॉम दी, वो उसके अंदर, वो जो मीडियम है उसके अंदर ही बेंड हो जाएगी. अब जब उसकी बेंडिंग इंस्टेड इट रिफ्लेक्टेड बैक इनसाइड द मीडियम, कि अब हमारे पास क्या होगा कि हम एंगल को इंक्रीज करेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द मीडियम, इट इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हाउ, यहाँ पे देखिएगा. देखिए बच्चों, ये सारी बात हमने की कि हमारे पास एंगल आ गया 20 का, 27 एंड ऑल दिस. फिर हमने क्रिटिकल एंगल की बात की. क्रिटिकल एंगल में हमने कहा क्रिटिकल एंगल हेयर इज 48.8, ठीक, यहाँ पे आके हमारे पास एंगल 90 का हो गया इसे हमने. अब अगर हम अपना एंगल और कम करते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज्यादा करते हैं, तो हमारे पास वो आगे 60, और 60 के जब हम रिफ्लेक्ट होगा तो वो अगेन इनसाइड द मीडियम ही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है. सो इट इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम बताई हुई है कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिया हुआ है, कोई भी ग्लास है, उसमें से ये हमारे पास लेजर लाइट है, ठीक है, लेजर लाइट जो होती है उसमें एक ही वेवलेंथ होती है ना,
तो यहाँ पे लेड लेजर लाइट ली हुई है, तो वो आप देख लें कि किससे वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, कि हमारे पास एक नीचे जो है उसका मीडियम है, दैट इज डेंसर, और ऊपर आप देख सकते हो कि वो खाली है, तो वहाँ अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही है, सो इट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट में भी हमारे पास ऐसा ही कुछ हो रहा है। हमने एक ट्यूब ले ली है, ट्यूबलाइन मटेरियल जैसे हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर में होता है, तो यहाँ पे भी अंदर आप देख सकते हैं टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। हमने एंगल, ये पीछे लेजर का एक हमने सोर्स लिया हुआ है, इसका एंगल ऐसा रखा है कि ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें हो, तो आप देख सकते हैं इसमें कैसे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रही है, और एंड में हमारे पास वहाँ पे पूरी जैसी लाइट थी वैसे ही मिलती है। जब हमारे पास इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है ना, तो तब हमारे पास अमाउंट ऑफ लाइट या अमाउंट ऑफ सिग्नल्स जो होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। ठीक, अब हमारे पास इसमें क्या होता है बच्चों, कि ये आपने पढ़ा होगा सैराब। सैराब में क्या होता है कि हमारे पास जो चीज़ हमें होती नहीं है वो दिखाई देती है। लाइक जब आप सैराब में होते हो तो उधर आपको पानी नज़र आता है, ऑल दो वो होता नहीं है, तो वो क्यों होता है, दैट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें होता है। सिर्फ हमारे पास सैराब में ये नहीं होता, अगर आपके पास कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके पास डेंसिटी डिफरेंट आ जाती है, जिस ज़मीन के ऊपर दूर थोड़ा थोड़ा पानी होता है, रोड पे अक्सर ऐसा होता है पानी होता है, तो तब आपको क्या लगता है कि कोई चीज़ वहाँ पे है, तो आपको लगता है वही चीज़ वहाँ पे दूर कहीं पे है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, फॉर्म बाय द बोथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, के यहाँ पे हमारे पास बोथ प्रोसेस हो रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस भी हो रहा होता है और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। प्रोड्यूस व्हेन लाइट पासेस थ्रू द लेयर ऑफ एयर एंड डिफरेंट डेंसिटीज, कि हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, एयर आ जाती है, फिर उसके बाद एक और देखिए पानी है, पानी आ गया, फिर उसके बाद वहाँ पे ग्राउंड है, लेयर ऑफ अ डिफरेंट मीडियम आ जाते हैं जिनकी डेंसिटी अलग होती है। जब कभी ऐसा होता है तो तब हमारे पास वहाँ पे मिराजेस बनते हैं, मीन्स सैराब जैसे हमारे पास फीलिंग आती है, जो चीज नहीं होती हमें वो दिखाई देती है। अब यहाँ पे आपको बताया हुआ कैसे कि देखिए हमारे पास क्लाउड्स हैं, क्लाउड के इमेज हमें दूर वहीं जमीन पे नजर आ रहा है, क्या होता है कि आउटर सरफेस, आउटर लेयर जो होती है वो बहुत गर्म हो जाती है, फिर जैसे वाटर है हमारे पास, ठीक है, या हम सैराब की बात कर लें तो आउटर लेयर हमारे पास जो होगी रेत वगैरह की, वो बहुत गर्म हो जाती है, उसके गर्म होने से क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है टोटल अमाउंट ऑफ लाइट को, तो वहाँ पे जब रिफ्लेक्शन हो रही होती है, तो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन हो तो क्या होता है, इमेज बनता है ना, लाइक इन मिरर, मिरर में क्या होती है, टोटल रिफ्लेक्शन हो रही होती है, तो यहाँ पे भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है, वहां से रिफ्लेक्शन हो रही है और यहाँ पे जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा होता है वहां रिफ्लेक्शन हो रही होती है, सो वहां पे हमें मिराज